चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सभी जिलों में आज से बूस्टर डोज लग रहा है। रांची जिले में आज सिस्टी प्लस कोमोबियड हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। रांची जिले के 18 टीकाकरण केंद्रों पर प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। इन केंद्रों में प्रिकॉशन डोज के लिए 10% टीका रिजर्व रखा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली अमर, आज हर केंद्रों पर बूस्टर डोज दिया जा रहा है, क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है और कितनी जागरूकता लोगों के अंदर देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए जो बूस्टर डोज का प्रचलन है आज जिन लोगों को लगना है वो कहा जा रहा है कि 60+ के लोगों को प्रचलन दिया जाएगा। पहली बात, ऐसे भी संख्या कम है। दूसरी बात, जो फ्रंट लाइनर है, चाहे वो आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, पत्रकार हैं, जो फ्रंट लाइनर है उनके लिए बूस्टर डोज देने की बात कही जा रही है। मेन जो 60+ से ऊपर के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए जरूरी इसलिए है कि उनकी उम्र है और ऐसे में उनको बूस्टर डोज की जरूरत है। अगर आप सर्टिफिकेशन लेकर के आते हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, आई कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये तमाम चीज़ है जो आईडी प्रूफ हो, उसको आप लेकर के आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटर पर आपको दे दिया जाएगा और आप लेके चले जाएंगे। एक कह सकते हैं कि पहले फेज में जिस तरह से एक लंबी लाइनें देखने को अब मिल रहा था या फिर आप लंबे इंतजार लोगों को करना पड़ रहा था, वैसा कोई व्यवस्था वैसी हालात नहीं है। अगर आप आते हैं और आराम से आपको सुई पड़ जाएगा और आराम से आप चले जाते हैं। क्योंकि मेरे बगल की अगर बात करें तो मेरे बगल में ही एक सेंटर है जहाँ पे लोग एक दो लोग आते हैं, जिन जिन लोगों को लगवाना है वो आते हैं और चले जाते हैं लगवा करके। ऐसी कोई भी भीड़ भाड़ वाला या फिर आप कह सकते हैं कि अफरा तफरी या फिर एक लंबी कतार जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। और इसमें फायदा इसलिए है कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर तकरीबन हजारों से ज़्यादा सेंटर खोले हुए हैं और केंद्र सरकार की ओर से भी और राज्य सरकार की ओर से, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सभी राजनीतिक दल वो भी अपनी ओर से सेंटर खोल रखे हैं, वो भी बूस्टर डोज दे रहे हैं। उसके बाद ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपना बूस्टर डोज दे रहे हैं, आप आइए वहाँ पर चले लगाइए और चले जाइए। तो ये भीड़ भाड़ का आपको नहीं दिखाई दे रहा है, हर जगह अच्छी व्यवस्था की गई है। कल प्रधानमंत्री ने तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं और जो इससे रिलेटेड लोगों हैं सबके साथ उन्होंने बैठक की थी। बैठक में यह तय किया गया कि आसानी से हो बूस्टर डोज दिया जाए, जिस तरह से कोरोना लगातार एक बार फिर से पीक पे है और ऐसे में उसे कंट्रोल करना है और रोकना है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव भी है, तो ऐसे में जब तक इस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा बूस्टर डोज दे करके, तब तक लगना बड़ा मुश्किल है। कई डॉक्टरों का ये कहना है कि जो हाल में आपने अगर लिया है, जो कोवैक्सीन ले लिया है या फिर दूसरा डोज लिया है, तो आपको बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है, आप फिलहाल वही आपके लिए काम करेगा और इसका 3 महीने तक असर रहेगा। तो फिलहाल अगर आप देखें तो दिल्ली में सब कुछ स्मूथली है और जो लोग आ रहे हैं उनको आराम से दे दिया जा रहा है और वापस घर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अमर ये कहना गलत नहीं होगा कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सारी चीजों की सुविधा की गई है और वहां पर बुजुर्ग या फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और बूस्टर डोज ले रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको याद होगा तो पहले जब वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया था तो उसमें भी 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग थे, जो सीनियर सिटीजन थे, उनको देने की बात कही गई थी। लेकिन उस वक्त की अगर बात करें और अभी की अगर आप तुलना करते हैं तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। फर्क ये है कि उस समय लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती थी और उसके बाद जो है जो बुजुर्ग हैं जाते थे उसको बैठने उठने लाइन खड़े होने में दिक्कतें होती थी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है क्योंकि आप जागरूक हैं। आप पहले क्या होता था कि आप रजिस्ट्रेशन भी आप जाके करवाइए, उसके बाद आपको टाइम आएगा तब आप जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है कि आप आइए रजिस्ट्रेशन करवाइए उसके बाद आपको दिया जाएगा। अगर आई कार्ड आपके पास है कि आप 60 साल से ऊपर के हैं तो आकर के आप वैक्सीन ले सकते हैं। और कई
चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी गवर्नमेंट के सेक्टर हो, तमाम सेक्टर हैं जो आपको वैक्सीन दे रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि सरकार की सहूलियत है या फिर सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि आपको लंबे कतार लाइनों में खड़ा नहीं होना है, इंतजार नहीं करना है और आपकी जो दिक्कतें हैं उसको सुनने के लिए लोग तैयार हैं। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है, इसको आप कह सकते हैं। क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ 22,000 जो है पर डे नए केसेस हो रहे हैं, कल की अगर बात आप करते हैं तो ऐसे में कंट्रोल अगर आप नहीं करते हैं तो स्थिति बहुत ही भयावह होगा। इसलिए प्रधानमंत्री लगातार इस मुद्दे पर बैठक कर रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य जो विभाग हैं उनसे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य वो लगातार जायजा भी ले रहे हैं सभी राज्यों का और अपडेट भी ले रहे हैं क्योंकि वो लगातार बैठक कर रहे हैं और कोरोना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अमर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज बूस्टर डोज दिया जा रहा है, बुजुर्ग फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। आप भी अपने निजी केंद्र पर जाएं और वहां पर बूस्टर डोज लें कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।